जी हिंद दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल बड़ी भर्ती 2019 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है। और ये भर्ती टीचर के लगभग 8,000 पदों के लिए जारी की गई है, जिसमें कि ऑल इंडियन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों जानकारी देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये जानकारी उन सभी लोगों तक पहुँच जाए जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जो लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो चलिए अब जान लेते हैं पूरी जानकारी। नेम ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन आर्मी पब्लिक स्कूल, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर ASP बोलते हैं। जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, ये भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। डेजिग्नेशन यहाँ पर जो आपकी पद नाम है टीचर का है, जिसके जो कि PGT, TGT और PRT के लिए निकाले गए हैं। जो वैकेंसी इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 8,000 है, और यहाँ पर अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर देखोगे तो यहाँ पर भी दिया गया है दियर आर अप्रोक्सीमेटली 8,000 टीचर्स। तो यहाँ पर अभी ये टीचर की जो वैकेंसी है 8,000, आगे जाकर के फिक्स रहेगी या फिर इनमें कोई चेंजेस होगा वो आपको बाद में मालूम पड़ जाएगा। वर्क लोकेशन आपकी जो रहेगी वो वेरियस आर्मी पब्लिक स्कूल रहेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टेटस, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें फॉर्म फिलअप होने शुरू हो चुके हैं, और ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन क्लोजर डेट आपकी 21 सितंबर 2019 है। बेसिकली इसमें 21 नहीं, 22 सितंबर 2019 तक आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे। और अब मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के बाद मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आने वाला हूं, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप स्टेप बाय स्टेप करना है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर APS-CSB.in, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर पाओगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी जान लीजिए। सबसे पहले आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि अप्लाई करने के लिए आपसे कौन सी योग्यता मांगी गई है। तो दोस्तों अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री, ग्रेजुएट और BED की योग्यता है तो आप इन पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको ये जानना है कि किस डिसिप्लिन यानी कि किस सब्जेक्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, तो अभी आप वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से इसके बारे में अच्छे तरीके से जानकारी देने वाला हूं। एज लिमिट यहां पर जो आपके रखी गई है, ही सी शुड बी बिलो 40 इयर्स फॉर फ्रेश कैंडिडेट, यानी कि अगर आप फ्रेशर हो तो आपकी उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपकी उम्र 57 साल से कम होनी चाहिए। तो यहां पर आपकी एज लिमिट कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। सिलेक्शन आपका जो किया जाएगा वो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, इंटरव्यू और एवेल्युएशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के आधार पर किया जाएगा। और एप्लीकेशन फी आपको जो देनी होगी अप्लाई करने के लिए वो है ₹500 ओनली, यानी कि सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर ₹500 आवेदन फीस देनी होगी। फी पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ये फीस आपको ऑनलाइन माध्यम से जमा करनी होगी। और जो आपका फॉर्म फिलअप का मोड रहेगा वो भी आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि ये फॉर्म आपको ऑनलाइन माध्यम से फिलअप करना है। अब मैं आपको सीधा इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले चलता हूँ। दोस्तों ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हो, इसके अंदर आप पूरी जानकारी देख सकते हो। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर वैकेंसी डिटेल दिखाई है, आप देख सकते हो देयर आर अप्रोक्सीमेटली 8,000 टीचर ऑन दी रोल्स ऑफ दी स्कूल, यानी कि जो ये स्कूल्स के लिए वैकेंसी निकाली गई इसके लिए 8,000 पदों की भर्ती जारी की गई है। और जैसे कि मैंने अभी आपको कहा ये बाद में जाकर के फिक्स होंगे इतने ही, या फिर इसमें कोई चेंजेस होगा वो आपको जल्द ही मालूम हो जाएगा। यहाँ पर आप तीसरे पॉइंट के अंदर ये भी देख सकते हो, वैकेंसीज कुड बी रेगुलर और फिक्स्ड टर्म, यानी कि जो ये वैकेंसी रेगुलर भी हो सकती है या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी हो सकती है। अभी इसके बारे में आपको कोई पूरी जानकारी, पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है। अब यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, पहला है आपका स्टेज वन स्क्रीनिंग एग्जाम, ये किस प्रकार का रहेगा वो आप देख सकते हो। और इसकी जो डेट तय की गई है 19 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2019, और पूरा एग्जाम पैटर्न आप यहाँ पर देख सकते हो। जो एग्जाम पैटर्न है और साथ ही सिलेबस है, इसके बारे में एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं देने वाला, क्योंकि उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना करके प्रोवाइड करने वाला हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आप जो आपकी एज लिमिट है वो चेक कर सकते हो, और ऊपर जो आपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखी वो आप चेक कर सकते हो। जो आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है पोस्ट के लिए, PGT पोस्ट पर अगर आप अप्लाई करोगे तो आपसे एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी गई है। इसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स होने जरूरी है, और साथ ही आपसे प्रोफेशनल रूप में BEd की योग्यता मांगी है, जिसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप TGT पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जिसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स हो, और BED की भी आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप PRT पोस्ट पर अप्लाई करते हो तो आपसे ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी है, जिसमें आपके 50% मार्क्स हो, और प्रोफेशनल पर आपसे
जीएड या फिर 2 ईयर डिप्लोमा आपसे मांगा गया है। और नीचे आप यहाँ पर जो आपकी आयु सीमा है वो अच्छे से ऑफिशियली इस नोटिफिकेशन से देख सकते हो, क्योंकि ये जो जानकारी भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये पूरी तरीके से ऑफिशियल है, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दिखाई गई है। अब आप यहाँ पर नीचे देख लीजिए कि किस कौन से टीचर की पोस्ट किस सब्जेक्ट के लिए निकाली गई है, जैसे कि यहाँ पर पीजीटी है और टीजीटी है, आपके सामने है कि किस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर आप एग्जैक्टली जो क्वालिफिकेशन रखी गई है सब्जेक्ट वाइज वो आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं यहाँ से इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ ताकि आप सभी सब्जेक्ट के एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन देख सको कि आपके पास जो मास्टर डिग्री मांगी है वो किस सब्जेक्ट या फिर डिसिप्लिन के अंदर होनी चाहिए, और साथ ही आपसे जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो कौन सी है, और जो आपकी बीईडी है ये तो सभी पर कंपलसरी इन्होंने यहाँ पर रखी है। और दोस्तों यहाँ से भी मैं इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ ताकि आप इस जानकारी को अच्छे से चेक कर सको। तो दोस्तों ये आपकी जानकारी हुई आर्मी पब्लिक स्कूल टीचर के बारे में। यहाँ पर आप ये देख लीजिए लिस्ट ऑफ एग्जाम सेंटर, यानी कि कहाँ कहाँ पर आपका एग्जाम होगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बोला था कि ये भर्ती ऑल इंडियन कैंडिडेट के लिए निकाली गई है, तो अब चाहे आप भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बस आपके पास जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ ज्ञान दे होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।